वेलकम बैक जीके जी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट वर्कआउट बताऊंगा जो कि हमारे यंगस्टर के लिए है। ये बहन अगर आप फिट हो तो कोई भी एज मैटर नहीं करता है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने खुद से बनाया है और सारे वर्कआउट को मिला के, अगर ये आप टॉप 14 वर्कआउट है, अगर ये 14 वर्कआउट आप कर लेते हो तो आपको दिन में और सारी वर्कआउट की जरूरत पूरा हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका जंपिंग जैक, जो कि नॉर्मल हम रनिंग की बात करते हैं, ठीक है, जंपिंग जैक, ठीक है, जंपिंग जैक। गाइस अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप 15-15 या 20-20 सेकंड के अपने हिसाब से कर सकते हो, बीच में थोड़े थोड़े गैप ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको कंटिन्यू, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड है आपका माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आप बुफर। गाइस ये बहुत थकाने वाली एक्सरसाइज है, मैं आपको कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ। आप एक एक करने के बाद बीच में 10 या 15 सेकंड का गैप ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप कंटिन्यू करो। गाइस नेक्स्ट 3 है आपका बुफर स्क्वाट जंप, गांजो जंप और हाई नी, ठीक है। लुक एट दिस, बुफर स्क्वाट जंप, हम नॉर्मल ये जंप जो हम कर रहे थे जंप करेंगे, ये लुक एट दिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाई नी, ठीक है। हाई नी के लिए नॉर्मल, ठीक है, हम हाथ ऐसे रख के कर सकते हैं या नॉर्मल पोज में या रनिंग पोज में, ठीक है। मैं हाथ अपने ऐसे रख के दिखाता हूँ, हाई नी, ठीक है। थोड़ा प्रेशर जाएगा, ठीक है, थोड़ा प्रेशर जाएगा, ठीक है। गाइस नेक्स्ट है आपका गुड प्लेस और उसके बाद आपका वाइल्ड हैंड प्लंग और नेक्स्ट आपका एडमिरल क्रंच, ठीक है। एडमिरल क्रंच और नॉर्मल सिटअप को ही बोलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश हो गया। लुक एट दिस, ठीक है, फर्स्ट है आपका गुड प्लेस, लुक एट दिस, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सरसाइज है, ये देखो, लुक एट दिस, ये डाउन है, एबनॉर्मल क्रंच। गाइस ये बहुत मेहनत की एक्सरसाइज है, मैं
चाहता हूँ आप कंटिन्यू रहो। नेक्स्ट है आपका एब्डोमिनल क्रंच, नॉर्मल जो सिटअप होता है वो मारेंगे, ठीक है। लुक एट दिस, ये पोजीशन रहेगा, ठीक है। पाँव पाँव थोड़ा सा गैप रहेगा, आप प्रेशर लगाना चाहते हो तो पूरा फुल क्लोज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, लुक एट दिस, हाथ को पीछे डीप, एक क्रंच, इसके बाद है आपका वाइल्ड हैंड प्लंक। नॉर्मल जो प्लंक होता है वो प्लंक ही होगा, बस वाइल्ड हैंड मतलब बड़े जगह में थोड़ा सा प्लंक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गैप लेंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है, होल्ड करेंगे। गाइस, इसके बाद हमारा पुशअप है, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लोजिव कैंगलिंग पुशअप, ठीक है। ये भी पुशअप का ही एक तरीका है, यू नो, दो पुशअप लगाएंगे, लुक एट दिस, ठीक है। पुशअप आप 10-20 जो भी लगाते हो कंटिन्यू, ठीक है। क्लोज पुशअप का मतलब होता है आपका बॉडी का एकदम जितना आपका चेस्ट का डिस्टेंस है उतना स्टेशन में हाथ रहना चाहिए, लुक एट दिस, ठीक है। ये घुटने में सपोर्ट देंगे और ये पुशअप, ठीक है। गाइस, नेक्स्ट और लास्ट आपका है फुल बॉडी स्ट्रेच, ठीक है। लुक एट दिस, जितने हम लोग ने एक्सरसाइज करा वो थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज था, यू नो, अगर उस हार्ड एक्सरसाइज करने के दौरान हमें कहीं इंजुरीज या फिर कहीं चोट लग गया होगा या फिर जो भी, तो उसको रिलीव करने के लिए, मतलब जितने भी हम लोग ने एक्सरसाइज किया सबको रिलीव करने के लिए अभी फुल बॉडी को रिलीव करेंगे, उसके लिए फुल बॉडी स्ट्रेच, लुक एट दिस। ये आपका, ये डाउन होंगे सांस लेते हुए, ये लुक एट दिस, सांस लेते हुए ये, लुक एट दिस, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और लूज करना चाहते हो, ज्यादा आपको लूज चाहिए बॉडी में, ठीक है। लूज करने के बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। लुक एट लास्ट, ये लूज है, इवन सिटअप उटअप मारने, डिप्स मारने के बाद सब ये लास्ट लूज होगा, ठीक है। लुक एट दिस, हैंड को थोड़ा याद करेंगे,
जार करेंगे, लुक एट दिस, हैंड को जार करेंगे, लूज करेंगे, लूज करेंगे, फ्रंट बैक, ठीक है, लुक एट दिस, ठीक है, ओके गाइस, हाँ लुक एट दिस, अभी 10:30, 11:30 बज रहे हैं और ग्राउंड में कोई नहीं है, लुक एट दिस, आप कैमरा घुमा के देख सकते हो, ग्राउंड में कोई नहीं है और इस धूप में मैं अकेले यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे को फॉलो करें और अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाता हूँ, इवन सभी एज के लोगों के लिए, बच्चों एजेड इवन जो भी है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको अपना डाइट चार्ट भी दे सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आपको वेट गेन वेट लॉस करना है तो हमें कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज थैंक यू, लव यू।